आ रही है फिल्म मनी बैग गारंटी, और मनी बैग गारंटी के एक बहुत ही अहम कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मानी। मानी, कैसे हैं आप? मैं वैसे ही हूँ, बिल्कुल ठीक। तो क्या कैरेक्टर है आपका, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जैसे कि सबको थोड़ा सा अंदाज़ा है ही कि कुछ 6-8 लोगों की कहानी है, वो 6-8 लोगों में मैं भी हूँ बेसिकली। एक उसका एक इशू है, ये इशू बड़ा ही यूनिवर्सल इशू है, लेकिन पाकिस्तान में हर बंदा रिलेट कर सकता है उस इशू से। ख़ासतौर पे किसी एक शहर का बंदा तो बहुत रिलेट कर सकता है उससे। तो मैं उस एक शहर का बंदा बनाऊँ, और मैं हमेशा, लेकिन उस एक शहर के बंदे को पूरा मुल्क रिलेट कर लेता है, क्योंकि उस एक शहर से पूरा मुल्क चलता है, तो उसका मसला है। अच्छा मानी, ये बताइएगा कि कितने अरसे पहले आपको इस फिल्म के लिए ऑफ़र आया, और कब काम शुरू हुआ और कब काम ख़त्म हो गया? ये फिल्म कोविड में, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था, तो फिल्म उससे थोड़े दिनों पहले स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फैसल कुरैशी ने लिखी थी। हमें नहीं पता था कोविड है, क्योंकि अक्सर एक दो हमारे लोगों को कोविड हो भी गया था बीच में, और हमें लग रहा था नॉर्मल बीमार है, क्योंकि कोविड बाद में डिक्लेयर हुआ था। तो ये फिल्म जो थी उससे पहले बनी है, और फिर कोविड के बीच में, जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बीच में बनी है, और फिर कोविड एक आध सीन इसका जो एक आध दिन जो है बाद में शूट हुआ है। तो ये 3-4 साल तो हो गए हैं इस फिल्म को, क्योंकि जितनी फिल्में पाकिस्तान की जो अभी आई हैं या पीछे रिलीज़ हुई हैं, वो 2-3 साल पहले थी। जैसे मेरी लफंगे आई थी, वो भी उसी ज़माने में शूट हुई थी। मेरी बेबीलिशियस एक फिल्म आ रही है, शेरो सायरा भी है उसके अंदर, वो फिल्म भी उसी ज़माने में शूट हुई थी, और ये वाली फिल्म भी उसी ज़माने में शूट हुई। ये तो शूट हो चुकी है ना, अब अभी एक नई फिल्म आ रही है नबील कुरैशी और के साथ हमने की है, पहली दफ़ा नबील ने हमारे साथ काम किया, हेराओ मैं उसके अंदर, और एक बड़ी ही मज़े की रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है हेराओ मेरी, जिसके अंदर आप मेरे हेरा का हुलिया नहीं पहचान पाएंगे कि ये लोग वही हैं, ये कोई और हैं बेसिकली। तो एक मज़े एक्सपेरिमेंट जो अगली ईद पे आ रही है, अगली ईद पे वो आएगी, इसी पे आएगी। क्या नाम है उस फिल्म का? उस फिल्म का बेसिक नाम तो कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर 3 फिल्में होंगी, उनमें से एक फिल्म हमारी भी होगी, लेकिन उसको हमारी जो फिल्म का नाम है, उसका नाम है साजन महल। साजन महल। ओके, तो हीरा आपके साथ है? हीरा मेरे साथ है। सही, हीरा मेरी पहली फिल्म होगी और हीरा की पहली फिल्म होगी। अच्छा, हीरा ने से पहले फिल्म की है। आपने हमें न्यूज़ दे दी है, ये देखिए मैंने न्यूज़ दे दी है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, इतनी सारी बैक टू बैक फिल्म्स लगी हुई हैं? अल्लाह करे अच्छी जाएं। देखें, अगर अच्छी जाएंगी तो सबका फ़ायदा होगा, जो आगे बना रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा, वरना हमारी इंडस्ट्री बड़ी अजीबोगरीब सी, एक दिन मतलब चांद पे, फिर थोड़े दिनों बाद ज़मीन पे, तो ये चल रहा होता है। तो मौला जट आई, उसके बाद कुछ फिल्में ही नहीं चल पाई, तो ये बड़ा चल रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है ये फिल्म इतनी बड़ी है कि ये अपना हदफ नहीं बल्कि उससे ज़्यादा जो है हदफ जो है वो करेगी। अच्छा, एक और बात ये बताइएगा कि जिस तरह इसमें पुराने लोग भी, हम ये कहेंगे जिस वक्त मानी ने अपना काम शुरू किया, उस दौर के भी कुछ लोग थे, सारे हैं, सारे इसी दौर के। तो नए पुराने लोगों का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो के साथ काम करके कैसा लगा? उस जमाने के लोगों में से फवाद खान होंगे, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे याद है हमने सब सेटे किया था ड्रामा, इनका जट एंड बॉन्ड आता था, एक ही दिन के फ़र्क से आता था, मैं हमें 2001 के, तो वो लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर। फैसल कुरैशी हैं जो हमसे भी 8-10 साल पुराने, जिन्होंने फिल्म बनाई है, एक्टिंग भी की है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर अगर हमारे दौर की बात करें तो आयशा उमर हैं, हमारे दौर की बात करें तो अली सफीना हैं, हमारी दौर की बात करें तो बेशुमार और भी हैं, और हमसे पता नहीं 50 साल पहले वाले क्या नाम है इसके अंदर, वो हैं, आपका नाम क्या है उनका, जावेद शेख साहब हैं, फिर इसके अंदर किरण मलिक हैं जो कि बहुत बाद में आई हैं, अभी की हैं, रैम्बो हैं जो पता नहीं कब से काम कर रहे थे, हम आए थे तो हमसे भी 10-15 साल पहले से काम कर रहे थे। तो इसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है सबका। वसीम अकरम है जिन्होंने, मुझे याद है जब काम स्टार्ट किया था टेलीविज़न का, कमर्शियल्स में आना शुरू किया था जब वो रिटायर हुए थे 2003 में, तो वही वाला टाइम है जिस वक्त हमने भी स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच है। इसके अंदर एक और स्पेशल अपेयरेंस है जो मैं बताऊँगा नहीं, शनीरा तो अकरम है, लेकिन एक और लड़की है इसके अंदर जो कि पाकिस्तान की सुपरस्टार है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा उनके, वो एक सरप्राइज है। चलें, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।